hey guys this video is brought to you by the brilliant one football app there is so much happening around the world of football right now and it is so difficult to keep a track of everything well one football makes that very easy for you one football is my personal go-to app whenever i need to look up something about chelsea about premier league la liga bundesliga syria league everything is available out there every transfer rumor इन्फॉर्मेशन अबाउट एवरी प्लेयर वट एवर यूनिट इज अवेलेबल ऑन द वन फुटबॉल ऐप प्लीज़ हैड इन टू द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बिलो एंड डाउनलोड द वन फुटबॉल ऐप नाउ लगातार दूसरे साल अगर बार्सिलोना यूरोपा लीग में जा रही है और सिमिलर तरीके से नॉकआउट हो रही है कॉम्पटिशन से तो सवाल उठाने पड़ेंगे इस सेंस में कि क्या आपने जो समर में रिबिल्ड किया जो आपने साइनिंग्स करी थी जो रिक्रूटमेंट के पीछे आपके थाट प्रोसेस थी क्या वो सही थी क्या नहीं थी काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं ना मतलब ठीक है आप चावी पे ब्लेम कर सकते हैं उन चीज़ों को कि यार तुमने क्यों इस तरीके के टीम सिलेक्शन किए हैं और क्यों तुम्हारा एक बायस है जिसकी वजह से कुछ प्लेयर्स स्टार्ट किए ही जा रहे हैं जैसे आज अगर आप लाइनअप देखेंगे तो आपको लगेगा कि फ़ालतू में बुस्किट्स को अकोमोडेट करने के लिए फ्रैंक कैसी को आगे एक अटैकिंग मिडफील्डर के रोल में खिलाया गया और पेडरी को वाइड पुश किया गया जिसकी वजह से पूरी आउट ऑफ बैलेंस ही हो गई थी मिडफील्ड और बायन को इतना फ्री पास मिल गया था और कुछ भी नहीं किया आज बार्सिलोना की बिल्कुल ही एक डेड परफॉर्मेंस थी मैं कहूँगा कुछ हमको आग नहीं दिखी एक फायर नहीं दिखी एक कहते ना कि प्राइड के लिए खेल लेते हैं लास्ट एक मैच हमारा चैंपियंस लीग में अगेंस्ट बायन में मतलब ऑब्वियसली एक विक्टोरिया पिल्जन से भी मैच बचा बट यू नो वॉट आई मीन मतलब एक स्टेटमेंट हम दे सकते हैं हम okay, ओके हमारा कैंपेन अच्छा नहीं रहा बट अगेंस्ट बायन वील मेक इट टफ फॉर देम और वो आए हैं कैंपनू खेलने अगेंस्ट अ पैक्ड हाउस और हम उनके लिए काफ़ी मुश्किलें पैदा करेंगे बट नहीं हुआ ऐसा मैच की मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा बिकॉज आई थिंक बाय वर एप्स्यूटली ब्रिलियंट और सेकेंड हाफ में तो देवर बॉर्डर लाइन टॉइंग विद बार्सिलोना मुझे तो लगा उन्होंने इंटेंसिटी अपनी हटा दी उनको ज़रूरत ही नहीं था टू गो एट फुल प्लॉन्ग चोपू मोटिंग ने गोल मार दिया भाई चोपू मोटिंग गोल मार रहा है तो भाई क्या ही कहने ठीक है वो सब चीज़ों में हम नहीं घुसेंगे कि टैक्टिकली क्या सही था क्या नहीं था बिकॉज आई थिंक प्रॉब्लम्स आर मच मोर डीपर देन दैट मैंने एक वीडियो भी बनाया था इस पर कि मुझे लगता है कि क्यों बार्सलोना स्ट्रगल कर रही है तो उसमें मैंने एक पॉइंट जो उठाया था वो मैंने कहा था रिक्रूटमेंट रिक्रूटमेंट जो है बार्सिलोना की कहीं ना कहीं फॉल्टर करिए आप माने चाहे ना माने आप रफीनिया के पीछे गए आप और भी आपने अटैकिंग प्लेयर्स को साइन करने की कोशिश करी आप बर्नाडो सिल्वा के पीछे भी जा रहे थे आपने एक्चुअली में जो एड्रेस करने के एरियाज थे उन पे आपने ध्यान ही नहीं दिया आपने जो बेहतरीन जो तीन साइनिंग्स मैं जिनको कहता हूँ तो कुंडे क्रिश्चनसन और लेवेंडॉस की आई थिंक ये तीन साइनिंग्स और एब्सोल्युटली ऑन पॉइंट बाकी अगर मैं बात करूँ फ्रैंक कैसी फ्रैंक कैसी को अगर हम इस तरीके से माने कि बुस्केट्स का एक लॉन्ग टर्म रिप्लेसमेंट के तौर पर साइन किया गया था या वो बंदा जो कि मिडफील्ड में एक सक्सेसर बनेगा बुस्केट्स का या उस रोल में खेलेगा चाहे डबल पिब में खेल ले बट ही विल बी द मेन मैन जो डिफेंसिव मिडफील्डर खेलेगा बार्सिलोना के लिए तो वो तो आपने खिलाया नहीं आपने बिल्कुल भी ट्राई नहीं किया फ्रैंक कैसी को आप से ही परसिस्ट करते रहे हैं जो आपको बैकफायर करता रहा है को बार बार खिलाना आपको बार बार जो है बुस्किट्स को ही आप परसिस्ट किए जा रहे हैं ख़त्म हो गया है प्राइम बुस्किट्स का सेम चीज़ पी के लिए भी ठीक है यहाँ पर आप कह सकते हैं कि अनलकी इस केस में रही बार्सलोना कि कूंडे राहुओ और क्रिस्टनसन एक साथ इंजर हो गए तो उसकी वजह से ऑब्वियसली बार्सिलोना को ऑप्शंस देखने पड़े जो कि बेंच पे अब है नहीं ऑप्शंस अगर बार्सिलोना देखेगी तो बहुत क्वालिटी ऑप्शंस है नहीं तो फिर आपने बेलेरिन और मार्कोस मार्कोजोलॉन्जो पे क्यों ऐसे ट्रस्ट किया कि भाई ये लोग होंगे फुल बैक्स पे जो हमको प्रॉब्लम हो रही है उसको सॉल्व करेंगे मार्कोजोलोन्जो कैन नॉट ट्रैक बैक हेक्टर बेलेरिन का एकमात्र हथियार होता था कुछ साल पहले तक वो था पेस वो भी खत्म हो गया डिफेंसिवली तो दोनों ही कभी भी एस्ट्यूट नहीं थे अगर आप नेचुरल राइट बैक्स देखेंगे नेचुरली राइट फुटेड राइट बैक्स तो आपके पास सिर्फ सर्जी रोबर्टो और हेक्टर बेलेरिन ही बच जाते हैं आप मार्कोजोलॉन्जो से परसिस्ट किए जा रहे हैं आज आपने एरिक गार्सिया के जगह मार्कोजोलों को खिला दिया सेंटर बैक तो ये क्या कहता है मतलब एरिक गार्सिया के बारे में कि मार्कोजोलॉन्जो आप बेटर हैं गार्सिया से तो कुछ चीजें हैं जो रिक्रूटमेंट पे हम जिन पे डाल सकते हैं मतलब एक आप कह सकते हैं ब्लेम डाल सकते हैं रिक्रूटमेंट पे कि जो एरियाज़ जहाँ पर एक्चुअली में बार्सिलोना को स्ट्रेंथन करना था अपने आप को वो नहीं किया है दूसरी चीज़ ये है कि इतना ज़्यादा मेस है पहले से ही पहले की रिजीम है और जो इतना सारा कुछ चलता आ रहा है वो इतना ज़्यादा बिगड़ चुका है कि एक ट्रांसफ़र विंडो में एक सीज़न में तो तुरंत से उसको सही करना पॉसिबल भी नहीं है तो ये मेरे को दूसरे पॉइंट पे लेके आता है कि शावी आउट अगर कोई भी सोच रहा है कि शावी इस दम प्रॉब्लम शावी की वजह से ये सब हुआ है तो आई थिंक आप बहुत ज़्यादा रिएक्शनरी हो रहे हैं ठीक है आप क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं टीम सेलेक्शन को सारी चीज़ों को आप बोल सकते हैं कि बहुत गलतियाँ हुई हैं शावी से इस दौरान लेकिन अगर आप कोई भी नया मैनेजर अभी लेके आते हैं शावी की जगह तो फिर से आपको उस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा नया मैनेजर आएगा उसको नई साइनिंग्स चाहिए होंगी फिर वो नई तरीके से अपना एक गेम प्लान बिठाने की कोशिश करेगा केमिस्ट्री जो है टीम में फिर वो सेट होगी फिर आप अगर एक तीन चार खराब मैचेस का फेज़ आ जाएगा तो क्या उसको वो बैकिंग मिलेगी मैं बहुत सुन रहा था वॉच अलॉन्ग्स में कि थॉमस टूकल को लेके आया जाए ठीक है आप लेके आ जाइए थॉमस टूकल को लेकिन थॉमस टूकल को भी टाइम चाहिए होगा इस को थोड़ा सा वो टिंकर करेंगे कुछ प्लेयर्स को हटाएंगे निकालेंगे बट क्या फाइनेंशियल कंडीशन अलाउ करती है बार्सिलोना की वो करने के लिए आई डोंट थिंक सो और अभी देखिए सीज़न ख़त्म नहीं हुआ है आपके पास कप है फिर लीग में आप अच्छा खेल रहे हैं उसके बाद अगर हम बात करें तो यूरोपा लीग अब खेलेगी बार्सिलोना तीन चार कॉम्पिटिशन्स हैं जिसमें अभी भी बार्सिलोना एक कॉन्फिडेंस बूस्ट लेके और सीजन को आगे के लिए सीजन को इस सीज़न को तो ठीक कर ही सकती है और आगे के लिए भी चीज़ें जो हैं वो बेहतर कर सकती हैं तो आई थिंक शावी पे जब तक ट्रस्ट करना चाहिए जब तक टॉप फोर के ही लाले ना पड़ जाए अगर बार्सिलोना को टॉप फोर क्वालिफाई करने में ही बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है दैट इज़ यू ऑन शावी बट एक 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 सीजन सीज़न में एक, मतलब एक भी पूरा नहीं हुआ था शावी को यार वो तो आधा सीजन ही उन्होंने कमान संभाली थी कोमन को जब सैक किया गया तो उसके बाद और एक ही समर ट्रांसफर विंडो उनको मिली है तो आई थिंक पेशेंस रखना पड़ेगा आपके सामने एग्जांपल्स हैं आर्सनल का एक बहुत बड़ा एग्जांपल जैसे मैं कहता हूं कि उन्होंने प्रोसेस में जैसे कहते हैं वो ट्रस्ट द प्रोसेस प्रोसेस में ट्रस्ट किया मैनेजर को टाइम दिया बैकिंग दी दि उसको प्रॉपर मौका दिया टीम के साथ काम करने का उसके प्लेयर्स लाने का और देखिए किसी भी फैन को ये हर्ट तो करेगा ही कि इतनी जल्दी चैम्पियंस लीग से बाहर हो गए एक ऑन पेपर हम देखें तो ट्रांसफर विंडो बहुत अच्छी हुई थी साइनिंग्स बहुत अच्छी हुई थी सब कुछ बहुत अच्छा था लेकिन उसके बावजूद अगर इस तरीके के रिजल्ट्स आ रहे हैं तो चीज़ें जो हैं उनको बहुत गहराई से और बारीकी से समझने की कोशिश करनी पड़ेगी आई थिंक रिक्रूटमेंट प्रोसेस को मैं दोष दूंगा बहुत ज़्यादा यहाँ पर क्योंकि अगर आप देखें बेलेरिन की अगर साइनिंग नहीं हो रही है तो उसके ऑल्टरनेटिव एस पिल्क्वेटा था बार्सिलोना के लिए क्या एस पिल्वेटा वो आपको प्रोवाइड कर सकते हैं एज अ फ्रंट लाइन राइट बैक इतने हाई इंटेंसिटी गेम्स में अगर आप चेल्सी के साथ भी देखें तो एस पिलीक्वेटा को बहुत बिट्स एंड पीसेज में और इंटेलिजेंटली यूज़ किया जा रहा है उनकी लीडरशिप के लिए उनकी सीनियोरिटी के लिए और जो वो लिमिटेड अब ऑफर कर सकते हैं उसके हिसाब से उनको गेम टाइम दिया जा रहा है लेकिन यहाँ पर मार्कोसोलॉन्सो की साइनिंग मैंने जैसे पहले भी कहा था मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई हेक्टर बेलरिन मतलब ये आपके बैकअप्स हैं आपके ये बैकअप्स लायक ही नहीं है खेलने के लिए बार्सिलोना के लिए किसी भी टॉप यूरोपियन टीम के लिए टू तो बी ऑनेस्ट और अगर आपको रिलाय करना है ऐसे प्लेयर्स पर तो फिर आप ट्रबल में आएंगे ही आएंगे आप क्रिश्चनसन को कह सकते हैं कि ही इज़ अ गुड बैकअप टू कुंडे एंड अरावो लेकिन राइट बैक आपके पास फिर कौन बचता है स्क्वाड में बेलरिन और सर्जी रोबर्टो तो घूम फिर के तो आप वहीं पर आ गए ना जहाँ से आप परेशानी सारी आपको झेलनी पड़ रही थी कि आपकी सारी बार्सिलोना की क्या हो रही थी पिछले तीन चार साल से कहानी की जो भी क्रूशल मैच होते थे उसमें बैक लाइन हो जाती थी जोर्डी एल्वा जेराड पी के सर्जी रोबर्टो और एक और कोई सेंटर बैक साथ खेलता था तो खेलता था तो उसी को ही तो चेंज करना था उसी को ही तो एड्रेस करना था बट जब इंजरीज हुई जब चीज़ें खराब हुई तो इंटर मिलान के जो दूसरा मैच था जो कैंपनू में हो रहा था उसमें आपने उसके इंटर मिलान के अगेंस्ट आपने पीके को स्टार्ट करा दिया पीके से गलती हुई वो बरेला ने जो गोल मारा था पीके वॉज एट फॉल्ट फिर सर्जियो बुस्किट्स से आप परसिस्ट किए जा रहे हैं हाँ शावी को आप यहाँ पे दोष दे सकते हैं कि क्यों आपको फालतू में फ़िट करना है सर्जियो बुस्केट्स को हर बार हर मैच में आपको बुस्केट्स को ही फिट करना है उनको ही खिलाना है और उसकी वजह से कई सारे प्लेयर्स जो हैं वो आउट ऑफ पोजिशन खेल रहे तो यहाँ पर आप शावी को जरूर क्रिटिसाइज कर सकते हैं लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो एरियाज़ एड्रेस करने चाहिए थे ट्रांसफर विंडो में वो बार्सिलोना ने किए नहीं मैं हमेशा कहता हूं कि अटैक विन्स यू मैचेस एंड डिफेंस विन्स यू टाइटल्स और जब तक आपका डिफेंस प्रॉपर नहीं होगा आप स्ट्रगल ही करेंगे अटैक बार्सिलोना का मेरे हिसाब से ठीक ठाक था ख़राब नहीं था अगर आप रफीनिया को भी नहीं लाते रफीनिया वाला पैसा जो है वो फुल बैक्स या एक और सेंटर बैक में खर्च करना चाहिए था और पी के ठीक है वो कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन ऐसी है कि गले की हड्डी बने हुए हैं और वो जो कॉन्ट्रैक्ट्स दे रखे हैं वो आसान भी नहीं है प्लेयर्स को अभी हटाना वो वाली बातें सब भी सारी सही हैं लेकिन कुछ अब सोल्यूशन निकालना पड़ेगा क्योंकि अगर फिर से बार्सिलोना सेम गलतियां करती रही तो इसी तरीके की चीज़ें होंगी जब एक टफ यूरोपियन अपोजिशन को आप फेस करेंगे और यहाँ पर विक्टोरिया पिल्जन से उम्मीदें लगाए बैठे थे बार्सिलोना फैंस कुछ की पिल्जन हरा देगी या ड्रॉ करा लेगी इंटर के अगेंस्ट लेकिन आपको भी तो अपना मैच जीतना था बाय के अगेंस्ट ये परफॉर्मेंस क्या थी और कुछ भी मतलब कोई इंटेंट ही नहीं दिखा है पूरे शोल्डर्स ड्रॉप हो गए उस रिजल्ट के बाद तो मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ एज अ न्यूट्रल ये बार्सिलोना से आज जो देखा है और एक कल्बिनेशन है जो पिछले दो तीन सीजन से ख़राब चीज़ें हो रही थी और समर में जो प्लेयर्स खरीदे बार्सिलोना ने मेरे हिसाब से जो एरियाज एड्रेस करने चाहिए थे इमिजिएट इफेक्ट से वो नहीं किए गए और ऑब्वियसली थोड़ी बहुत गलती मैनेजर की भी है बट मैनेजर को हटा देना नए मैनेजर को लाना इज़ नेवर द सोल्यूशन तो मुझे लगता है ये तो करना सही नहीं रहेगा टाइम देना चाहिए शावी को बट जो फाइनेंशियल कंडीशन है बार्सिलोना की वो अलाउ नहीं कर रही है बार्सिलोना के पास अब ज़्यादा मार्जिन ऑफ एरर तो वो एक चीज़ है जिसका थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा अगेन डेडवुड क्लियर करना पड़ेगा नए अच्छे प्लेयर्स लाने पड़ेंगे और एक जो रिक्रूटमेंट की मेरे को समझ नहीं है बर्नाडो सिल्वा के पीछे जाना बर्नाडो सिल्वा के पीछे पड़ी हुई थी बार्सिलोना बहुत अग्रेसिवली तो क्यों बर्नाडो सिल्वा भी आ गए इस टीम में क्या कर लेते डिफेंड तो आपके लिए फुल बैक्स और सेंटर बैक्स ही करेंगे ना और जब तक आपके पास अच्छे बैकअप्स नहीं है आप स्ट्रगल ही करेंगे तो ये कुछ मेरे व्यूज हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आप अग्री करते हैं कि नहीं आपके अकॉर्डिंग क्या प्रॉब्लम है बार्सिलोना की क्या शावी को हटाने से जो है चीजें ठीक हो जाएंगी या फिर प्रॉब्लम्स जो हैं दे रन डाउन वेरी डीप जो भी आपके थॉट्स हैं प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन तो चलिए गएस दैट्स अबाउट इट एंड ह्यूज कॉन्ग्रेचुलेशन टू द बायन म्यूनिक फैंस आई थिंक इट वॉज अ ब्रिलियंट परफॉर्मेंस फ्रॉम बायन म्यूनिक बट ऑब्वियसली मैं एक्सपेक्ट कर ही रहा था कि शोल्डर्स ड्रॉप होंगे प्लेयर्स के बार्सिलोना प्लेयर्स के एक बार वो रिजल्ट जो है अगर उनके फेवर में नहीं जाता है इंटरपिलजन वाला और एग्जैक्टली exactly वही देखने को मिला हमको चलिए गए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ ध्यान रखें अपना टेक केयर एंड पी सा